हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी, रिटन बाय जॉन ग्लासवर्दी। ये स्टोरी शुरू होती है दो ग्लेसलर ब्रदर्स से। ये दोनों भाई हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। ये दोनों जर्मन शू मेकर हैं और इनके पास खुद की शॉप है और इन्होंने अपनी शॉप को बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है और हर जगह लेदर के शूज़ को सजा के रखा हुआ है। और इनकी शॉप की जो शू की क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, कि मतलब अगर कोई इनके शॉप से शूज़ बनवा के जाता है, मतलब ऑर्डर पे देता है और बनवा के जाता है, तो वो लंबे समय तक चलता है, जैसे 4 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे। तो इनकी शॉप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें जो नरेटर है ना, जो स्टोरी को बताते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं इनकी शॉप में गया था, इन दोनों ब्रदर्स की, गेसलर ब्रदर्स की शॉप में गया था अपने शूज़ का ऑर्डर देने के लिए। एक्चुअली जो नरेटर है ना, वो ग्लेसलर ब्रदर्स के कस्टमर हैं, तो हर बार नरेटर वहीं से अपने शूज़ को बनवाते हैं। और इनके जो शूज़ होते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही अच्छे, लंबे समय तक चलता है। अब नरेटर गेसलर ब्रदर्स की शॉप में ज़्यादा नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि वो बिज़ी रहते हैं इसलिए। अब क्या होता है, एक बार नरेटर जाते हैं इनकी शॉप में एक लेदर रशियन शू के ऑर्डर के लिए। तो इनको एक लेदर रशियन शूज़ चाहिए था, तो ये जाते हैं उनकी शॉप में और गेसलर ब्रदर से बोलते हैं कि मुझे रशियन लेदर का शूज़ चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। नो डाउट कि आपके शॉप में बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे इस टाइप का शूज़ चाहिए। तो क्या होता है, जो गेसलर ब्रदर होता है, जो बड़ा भाई होता है, वो अपने शॉप के जस्ट, एक्चुअली इनकी जो शॉप होती है ना, डबल स्टोरी होती है, तो ऊपर जाता है सीढ़ियों से और उस गोल्डन रशियन लेदर को लेके आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। और वो गेसलर जो एल्डर ब्रदर होता है, वो बोलता है नरेटर को कि ठीक है, आप ही आके कल ले जाइएगा, आपका शू रेडी हो जाएगा। नरेटर अपना ऑर्डर देके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद नरेटर अपना ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद जो उनके पहले के शूज़ थे, जो पहले उन्होंने बनवाए थे ना उसी शॉप से, गेसलर ब्रदर्स के शॉप से, तो जाते हैं और बोलते हैं नरेटर कि ये जो शूज़ है ना, जिसको मैंने यहीं से बनवाया है ऑर्डर देकर, ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, तो आप ज़रा इस शूज़ को देख लीजिए। तो गेसलर ब्रदर के जो एल्डर ब्रदर होते हैं, वो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब हम लोग की शॉप का जो शूज़ है वो साउंड करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप अपना शूज़ दे दीजिए, मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ, अगर ये रिपेयर नहीं होगा तो मैं इसके पैसे आपको रिटर्न कर दूँगा। अब यहीं से आप पहचान सकते हैं कि गेसलर ब्रदर कितने ऑनेस्टी हैं, कितने काइंड हैं, कि वो बोल रहे हैं कि मैं पैसे वापस कर दूँगा। अब क्या होता है, वो रिपेयर करके नरेटर को शूज़ दे देते हैं, नरेटर शूज़ लेकर और बनवा के वहाँ से चले जाते हैं। अब एक दिन फिर से नरेटर गेसलर ब्रदर के शॉप में जाते हैं एक न्यू शूज़ का ऑर्डर देने के लिए। अब मैंने आपको बताया था नरेटर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो दूसरी कंपनी का शूज़ पहन के जाते हैं गेसलर ब्रदर के शॉप में। ठीक है, तो वो गेसलर एल्डर ब्रदर देख लेते हैं कि इसने जो पहना हुआ है, शूज़ जो पहना हुआ है नरेटर ने, वो दूसरी कंपनी का है, तो वो झट से पहचान जाते हैं और वो बोलते हैं कि जो आपने शूज़ पहने हुए हैं वो तो इस शॉप का नहीं लग रहा है, मतलब हमारी शॉप का ये क्वालिटी तो है नहीं। तो नरेटर बोलता है हाँ, वो एक्चुअली ना एमरजेंसी में मुझे ये ख़रीदना पड़ गया, एक्चुअली मैंने इसका ना एडवर्टाइजमेंट देखा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने इसको ले लिया, और तब मुझे ना ज़रूरी भी था और मेरे पास टाइम भी बहुत ही कम था, एमरजेंसी में मैंने इसको लिया। तो वो क्या करते हैं कि नरेटर के शूज़ को टच करते हैं, साइड से दबाते हैं, तो नरेटर के पैर में बहुत ही ज़ोर से दर्द होता है। तो वो बोलते हैं आजकल ना इन्होंने धंधा बना के रखा हुआ है, मतलब जो इनकी क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, पर क्वांटिटी को इन लोग बहुत ही अच्छा दिखाते हैं, क्वांटिटी को दिखाते हैं पर क्वालिटी बेकार होती है। अब क्या होता है, नरेटर बातचीत करके अपना ऑर्डर देके वो चला जाता है। अब नरेटर को बहुत ही ज़रूरी अब्रॉड जाना पड़ता है, तो 2 साल के लिए नरेटर अब्रॉड चला जाता है। अच्छा, इन्हीं दिनों क्या होता है, जो गेसलर ब्रदर्स होते हैं ना, उनका जो एल्डर ब्रदर होते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है अचानक से। अब सारी जिम्मेदारी छोटे ब्रदर के ऊपर आ जाती है,
अब छोटा ब्रदर जो गेसलर ब्रदर्स होते हैं ना, दो होते थे, एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई है, बट जो छोटा ब्रदर है वो अब पूरी शॉप को वही संभालते हैं। उनकी भी एज हो गई है, 75 ईयर्स के हो गए हैं और उनके कंधों में सारी जिम्मेदारी आ गई है। वैसे दोनों भाई मिल के चलाते थे उस शॉप को और बहुत ही ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस था। अब छोटा ब्रदर ही पूरी शॉप को संभालते हैं। 2 साल के बीतने के बाद नरेटर फिर से आते हैं उसी शॉप में, ठीक है, गेसलर ब्रदर्स की शॉप में आते हैं 2 साल के बाद नरेटर। जब नरेटर गेसलर ब्रदर की शॉप में आते हैं और उनकी मुलाकात छोटे भाई से होती है और उनको पता चलता है कि उनके बड़े भाई की डेथ हो चुकी है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। छोटा भाई जो होता है ना, मैंने अभी आपको बताया कि उनका एज जो है 75 ईयर्स के हो गए हैं, तो वो ना नरेटर को बिल्कुल नहीं पहचानते क्योंकि उम्र के साथ उनकी आंखें भी धुंधली हो गई हैं, उनका माइंड भी जो पहले शार्प था, माइंड भी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है, कम हो गया है, ज़्यादा वो याद नहीं रख पाते, है ना, एज के हिसाब से, तो वो नरेटर को पहचान नहीं पाते ठीक तरह से। अब नरेटर फिर से बहुत बड़ा ऑर्डर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब 1 वीक के बीतने के बाद नरेटर फिर से अपने ऑर्डर को लेने आता है, तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे ना एक इंग्लिश मैन है, एक यंग लड़का, वहाँ पे उनकी शॉप में उसकी शॉप खुल गई है। तो उनको पता चलता है कि जिनकी शॉप थी ना यहाँ पर शूज़ की, उनकी भी डेथ हो चुकी है। पहले उनकी बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी, अब उनकी भी डेथ हो चुकी है। नरेटर जब ये सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो इंग्लिश मैन बोलता है, वो यंग लड़का बोलता है कि एक्चुअली उनकी डेथ ना उनके भूखे रहने से हो गई थी। मतलब वो भूखे बहुत रहते थे, जितना भी वो पैसे कमाते थे अच्छी क्वालिटी का लेदर खरीदने में लगा देते थे और रेंट पे रहते थे, आधा पैसा वहाँ चला जाता था, इसलिए वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते थे, खाना भी बहुत ज़्यादा कम खाते थे और अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई है भूख के कारण। अब नरेटर बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, बट इनके जो शूज़ की क्वालिटी होती थी बहुत ही अच्छी होती थी, इसलिए मैं इनकी शॉप में आया था इनको बताने के लिए कि आपका जो शूज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो नरेटर और वो इंग्लिश मैन आपस में वो बातचीत करते हैं कि ये जो गेसलर ब्रदर्स थे ये बहुत ही अच्छे, काइंड थे, ऑनेस्टी थे, मतलब दिल के बहुत ही अच्छे थे, और इनकी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी दोनों ही परफेक्ट थी और दोनों ही अच्छी थी, कि जो भी इनके शॉप से शूज़ बनवा के जाता था या ले के जाता था वो लंबे टाइम तक चलता था। सो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।